देखो जी, तो अभी आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। और मैंने जिन बच्चों को बोला था बच्चे कि स्टडी मटेरियल में जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चेक करना है, वो चेक किया था टीचमेंट ऐप पे। बोलो, जो टीचमेंट ऐप है उस पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके, होमवर्क सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में बच्चे जाके आपने चेक किया था क्या? जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा था स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब उनके लिए। हाँ भाई गुरजोत, चेक किया था वहां पे? बोल रहे नहीं भी चल, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर, ठीक है, तो ओके मिल गया था क्या? हाँ, स्क्वायर और क्यूब। तो क्यूब होता है बच्चे 3 टाइम मल्टीप्लाई, स्क्वायर होता है 2 टाइम्स, ठीक है। वो याद करने हैं आपको, ठीक है, और मैं धीरे धीरे बीच में याद करवाता रहूंगा आपको, ठीक है बच्चे। देखो कल स्क्वायर मैंने बता दिया, स्क्वायर होता है किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। तो फिर जो अगर वापिस उस नंबर से आना, जैसे मैंने कल बताया था 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4 × 4 16। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 16 किसका स्क्वायर था, 4 था। इसके लिए दो मेथड थे, कल हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट इज फैक्टर मेथड, हाँ जी, कल फैक्टर मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड, जो आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है बच्चे। हाँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो फैक्टर्स बनाते हैं ना, ठीक है। देखो अभी मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, हाँ टू फोर टू 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 फोर। तो पेयर्स बना के मैंने बताया था ना कल बच्चे, फैक्टर मेथड पेयर्स बना के सोल्व करते हैं, याद है? पेयर्स बनाना है, सबसे पहले उसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर फैक्टर कैसे बनाते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 2 से डिवाइड करते चलो, फिर उसके फैक्टर्स बनाएंगे। एलसीएम नहीं निकालना, फैक्टर बनाने हैं। एक अकेले नंबर का एलसीएम कैसे निकाल देगा भैया, है रुद्रा? अगर अकेला नंबर दे रहा है कर, उसका एलसीएम कैसे निकाल। अब मैं जैसे ये बोल दूं 196 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैं सबसे, देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व, 1 मिनट देखो। हाँ, अब जिन बच्चों को याद है वो तो बोल देगा। अगर मैं लिख दूंगा देखो 1089 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो बता देगा भी अरहंत? नहीं ना, क्योंकि इसका याद नहीं आपको, कुछ याद है वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं फैक्टर मेथड में। अब जैसे मैंने लिखा 196, अब 196 का मैं फैक्टर बनाऊंगा बच्चे। फैक्टर बनाऊंगा मतलब उसको मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करो उसको, कितना आएगा? 196 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 कैरी 6, 2 8 जा 16, कितना है 98। अब कितना है 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 14 है। अब 49 किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 7 जा 14 है। अब 7 किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब देखो मैंने फैक्टर बना दिए, तो फैक्टर बनाए तो बच्चे 196 के क्या फैक्टर बने, 2 × 2 × 7 × 7। अब मैंने कल हमने डिस्कस किया था ना इसको कैसे कैसे बाहर निकालेंगे, पेयर्स में बाहर निकालेंगे ना, ठीक है। और जो बच्चा कोई भी कैमरा और कोई भी स्टूडेंट कैमरा ऑफ रखेगा उसका कोई डाउट नहीं लूंगा मैं, ठीक है। जो कैमरा ऑफ रखे वो मेरे से डाउट मत पूछा करो, ना ही हैंड रेज किया करो। देखो बच्चे, तो 2 × 2, 1 × 2 से 1 बार निकाल लूं 2, ठीक बात है। 7 2 बार है, इन 2 से 1 बार 7 बार आ जाएगा, तो 7 × 2 14 आंसर। तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चे, 14। यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। बहुत से बच्चों को याद भी है, जिनको याद नहीं हो धीरे धीरे याद कर लो, ठीक है। 20 तक याद करने हमें एक बार, बाकी आगे याद करवाऊंगा, ठीक है। Excuse me, sir. कौन पूछ रहा है अभी? रुद्राक्षी। हाँ रुद्राक्षी बोलो बच्चे। फिर बनते ही नहीं फिर, ठीक है। आपके सिलेबस में जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालने का बोलेगा उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, ठीक है। नोटिस, हाँ जी समझ आया सभी को? बोलो बच्चे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256।
इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं दोबारा करवा देता हूँ, इस बार अच्छे समझो। सबसे पहले क्या है, फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं बच्चे। देखो 256 ऐसे लिखा, इसको सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा, इवन नंबर है बच्चे, 2 1 1। अब देखो किसी को समझ नहीं आता हो साइड में ऐसे लिख के डिवाइड कर लिया करो बच्चे, ठीक है, 2 1 2। हाँ भाई जीविका कैरी 5 2 2 4 रिमाइंडर 1 कैरी 6 2 8 16 128। हाँ जीविका बोलो। जसवंत अब इसको 2 को फिर डिवाइड करेंगे, 2 6 12 2 4 8 64 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 2 2 4। अब 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 16 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा बच्चे 8 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2, अगेन किससे डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। अब देखो फैक्टर कितने बन गए, बहुत सारे फैक्टर बन गए 256 के। अब मैं सारे यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आएगा, 2 into 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 2, 8 टाइम्स 2 आएगा, ठीक है बच्चे, 2 into 2 into 2। अब देखो अब हमें पेयर से बाहर निकालना है। हाँ मिहिका एक मिनट, हाँ मिहिका बोलो। देखो अब हमें क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं ना, देखो एक पेयर ये बन गया 2+2 का, एक 2 into 2, एक ही पेयर, दो दो के पेयर चाहिए मेरे को, तो पेयर से एक एक बार निकालूंगा ना, इन दोनों से एक बार 2 बाहर आएगा, इन दोनों से एक बार 2 बाहर आएगा, इन दोनों से भी एक बार 2 बाहर आएगा, और इन दोनों से भी एक बार 2 बाहर आएगा, ठीक है। 2 into 2 4 4 2 8 8 2 16 आंसर, ठीक है, क्योंकि पेयर का मतलब क्या है, एक बार निकालना, ठीक है। ये 2 into 2 है तो एक बार 2 लिखूंगा, 2 into 2 है तो एक बार 2 लिखा, इस 2 into 2 को मैंने एक बार 2 लिखा, इस 2 into 2 को एक बार 2 लिखा, ठीक है, डन। हाँ प्रभुनूर बच्चे बोलो। देखो बच्चे अभी आगे चलते हैं, अभी एक मैं नेक्स्ट बोलूँ, देखो एक और करवाता हूँ, 1089 का हमें क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम 1089 के फैक्टर बनाएंगे। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है ये, 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो इसको, देखो 3 3 9, रिमाइंडर 1 कैरी 8 3 6 18, रिमाइंडर 0 कैरी 9 3 3 9 बचे, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, 363 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अभी किस पे डिवाइड करूँ मैं, 3 पे अगेन डिवाइड करूँ, 3 1 1 3 2 3 1, ओके डन बचे। अब देखो अब 121 ना वो किससे डिवाइड होगा, 11 से ही डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 121 को 11 से डिवाइड कर दे, 11 को 11 से किया, तो अब इसके इस बार फैक्टर कितने बने, देखो 1089 के फैक्टर क्या बन गए, 3 into 3 into 11 into 11, ये फैक्टर बने। तो बच्चे देखो पेयर्स बनेंगे ना, एक तो 3 into 3 ये पेयर बना, एक 11 into 11 ये पेयर बना, तो एक पेयर से ये बाहर निकाल लेंगे, ठीक बात है, इस पेयर से ये बाहर निकालो 3 into 3, इस ये 11 into 11 का ये पेयर बन गया 11 का, ये तो 11 into 3 कितना हो गया 33 आंसर। तो 1089 का स्क्वायर रूट कितना होगा मुझे 33, ओके। इस तरीके से पेयर बनाए, हर बार 2 आएगा 3 आएगा 4, कुछ जरूर नहीं है क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है नंबर पर, वो पेयर होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है, पेयर मतलब दो दो नंबर होने चाहिए, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं बच्चे। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सोल्व करना इस बार, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके सर। बताओ इसका स्क्वायर रूट निकालो बच्चे, और आंसर सेंड करना चैट बॉक्स में, जिसका भी हो जाता है। श्रेया ठीक है बच्चे आंसर, मौक्तिका ठीक है, ईशानी गलत है, रुद्रा गलत है, बाकी सॉल्व करो। प्रभनूर गलत है बच्चे आंसर, जीविका ठीक है, बहुत बढ़िया,
तेजस्विनी पाठक ठीक है आपका आंसर, ईशानी गलत है, प्रभनूर अगेन रॉन्ग, रहंत राइट है बच्चे आपका आंसर, वेरी गुड। देखो बच्चे मैं सॉल्व करवाता हूँ, सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाना मतलब सबसे पहले इस नंबर को देखो डिवाइड करते हैं, सबसे पहले कोई भी नंबर को छोटे छोटे नंबर से मैंने बोला डिवाइड करते हैं, तो वन से तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, वन से डिवाइड करेंगे सेम नंबर आएगा, तो टू से डिवाइड कर ले, टू ये इवन नंबर है। देखो कुछ बच्चों को पता ही नहीं इवन और क्या ऑड होता है, मैं बता दूं इवन नंबर कौन से होते हैं, जिस नंबर के एंड में टू एंड पॉइंट मतलब ये यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस तो पता होगा, टू फोर सिक्स एट या जीरो इनमें से कुछ भी हो ना तो वो इवन नंबर होता है बच्चे। और ओड कौन सा होगा, ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस वन थ्री फाइव सेवन या नाइन तो हो, तो क्या हो जाता है, ओड हो जाता है वो नंबर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरहंत बीच में कुछ भी बोले जा रहा है, सरताज ठीक है। अब देखो अब इसे टू से डिवाइड कर दो, तो 1444 को टू से डिवीजन तो आता होगा सबको, आता है, यस सर, टू सेवन जा 14, कैरी किया 4, टू टू जा 4, अगेन फिर रिमाइंडर जीरो बचा, कैरी किया 4, टू टू जा 4, 722। अब ये भी देखो लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है बच्चे, टू है ना, तो इवन नंबर है, इसको भी फिर टू आया टू से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, टू थ्री जा देखो 2 3 6, रिमाइंडर 1 कैरी 2, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0 कैरी 2, 2 1 जा 2, 361, ठीक है। अब 361 किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, गलत है, 3 से डिवाइड ही नहीं होगा 361 सर, 1 से, 1 से तो फायदा क्या, 1 से डिवाइड करोगे 361 को कोई फायदा होगा बच्चे, नहीं, 7 से भी नहीं होगा, ऐसे चेक करते रहो, ये बच्चे 19 से डिवाइड होगा, 19 into 19 कितना होता है 361, 19 एक प्राइम नंबर है, 19 से ही डिवाइड होगा, तो और 19 फिर 19 से डिवाइड हो जाएगा 1, इसलिए फंस के लग रहा हो आप सभी जिनका आंसर नहीं आया, 9 डिवाइड नहीं कर पाए इसको आगे ना। अब देखो मैं इसका फैक्टर लिख देता हूँ बच्चे, इसके फैक्टर क्या बना लिया हमने, 2 into 2 into 19 into 18। अब जिस बच्चे ने स्क्वेयर याद कर लिया ना, उसको तो 20 तक मैंने स्क्वेयर याद करवाए थे, उसको तो याद होना चाहिए 19 का स्क्वेयर 361 है, तो मतलब ये 19 से डिवाइड होगा बच्चे 361, ठीक है। अब इसके मैंने देखो क्या, अब पेयर बना लो, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बना, ठीक बात है। अब इस पेयर से क्या बना, ये बाहर निकाल ले 2, 19 से 19 बार आया तो 92 38। हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे कैमरा बंद करते हैं छुटके कुछ कुछ करते रहेंगे ना, उनको तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा, वो तो वैसे ही फेल होंगे फिर, गारंटी है मेरी, ठीक है। जो कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं ना, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं होता उनका, कितना ही बोल लो कितना ही समझा लो फिर भी हर 5 मिनट बाद बोलोगे फिर कैमरा बंद, 5 मिनट बाद बोलो कैमरा बंद, मेरे से चुप जाओगे भाई, पेपर से थोड़ी बच पाओगे फिर, मेरे से चुप के तो कैमरा बंद करके बैठे रहो, पेपर से नहीं बच पाओगे फिर, ठीक है। पेपर में वही बच्चा कामयाब होगा, पास होगा, जो मेहनत करेगा, प्रॉपर क्लास लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मौक्तिका है, जसवंत है, सुयांशी है, ये क्या बात है, कैमरा बंद करके बैठ जाते हो। अब अगर मान लो ये एक्चुअल लाइव क्लास होती, मान लो अब सामने सामने होते, फिर क्या तुम चेयर के पीछे छुप जाते, ठीक है। तो जो ये बच्चे कुछ है, अब मान लो मैं क्लास लाइव ले रखा होता फिर कैसे करते, देखो आगे, अब आगे हम डिवीजन मेथड सीखेंगे बच्चे, देखो डिवीजन मेथड, देखो और म्यूट रखो मेरे साहब अपना, ताकि बैकग्राउंड नॉइज को क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ भाई क्या नाम है, अर्जुन, म्यूट रखो बच्चे अपना। डिवीजन मेथड जैसे नाम, देखो बच्चे जैसे नाम क्या है इसका, डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, अंडरस्टैंड, डिवीजन कैसे करेंगे वो थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा नॉर्मल डिवीजन से, बस इतनी बात है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल देता हूँ, अभी जैसे हमने
स्क्वायर रूट निकाला था ना 1089 का, ठीक है, इसी का अब डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यूजली मोस्टली हम डिवीजन मेथड कब यूज करेंगे, जब नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो, ठीक है, उसके फैक्टर मेथड में टाइम ज्यादा लगेगा, फैक्टर बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो 1089, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो 1089, ठीक बात है, जैसे मैंने लिखा हुआ एज इट इज, ये बात समझ आई, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और एक लाइन और एक लाइन ऐसे लगाएंगे, अंडरस्टैंड, ऐसे दो लाइन लगाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर कैसे, पेयर का मतलब क्या होता है, दो डिजिट, ऐसे पेयर बनाएंगे ऐसे, लाइन लगा दूंगा नीचे ऐसे, ठीक है। यूनिट प्लेस की ओर से पेयर बनाना है, ये नाइन है ना, नाइन की ओर से मैंने स्टार्ट किया, देखो इधर से यूनिट प्लेस की ओर से पेयर बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे ऐसे, अंडरस्टैंड, हाँ जी, तो ऐसे पेयर बनाएंगे, हाँ गुड, अब देखो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ना डिवाइड करेंगे किससे, सबसे पहले स्क्वायर से, अब देखो या तो मैं इनटू चेक करूंगा, वन इंटू वन, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना होता है टू इंटू टू, फोर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री इंटू थ्री, नाइन, फोर का स्क्वायर कितना होता है फोर का स्क्वायर फोर इंटू फोर, सिक्सटीन, तो ज्यादा है टेन से, टेन से ज्यादा है ना सिक्सटीन, तो ये किस पे, ये किस पे जाएगा, हाँ थ्री पे डिवाइड करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे थ्री इंटू थ्री और यहाँ आ जाएगा थ्री और यहाँ लिखेंगे नाइन, अब इसमें से माइनस कर देंगे, टेन में से क्या माइनस करूँ नाइन, तो कितना बचेगा वन, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा किसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, गॉट इट, अब ये रिमाइंडर बचा वन, अब जैसे हाँ नहीं क्यों क्यों लिखना है, मर्जी से कुछ भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर लिखना है, बोल रहा है क्यों लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछ, अब देखो अब क्या करना है, मुझे रिमाइंडर वन बचा, अब जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, जब अगला एक एक डिजिट उतारते हैं ना, पर यहाँ तो हमने पेयर बना रखा था, पेयर 89 का 89 यहाँ पे कैरी करूंगा मैं, ऐसे एक एक डिजिट नहीं कैरी होगा, ये ध्यान रखना, अगर पेयर बना रखे हैं तो पूरे पेयर के पेयर कैरी होंगे, इस स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना डिवीजन मेथड से, इसमें ऐसे होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना है, हाँ ये थ्री इंटू थ्री है ना, थ्री इंटू थ्री यहाँ लिखा था, पर इन दोनों को ऐड कर दो, थ्री प्लस थ्री कितना होता है सिक्स, और मैं सिक्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी सिक्स कैसे आया समझ आया सभी को, हाँ भी श्रेया, सर ये मुझे आता है, ओके वेरी गुड, जिनको जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, देखो भाई स्क्वायर एटलीस्ट 10 तक तो याद होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 2 4, इसलिए मैंने बोला था, मैंने कल भी बोला था, उससे प्रीवियस क्लास में बोला था बच्चे, मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की वर्कशीट डाली हुई है, वहां से देख लो, अगर किसी को याद नहीं है तो अभी दोबारा, अब देखो अब ये यहाँ पे 6 आया, ये 6 कैसे आया, जो यहाँ पे जो भी नंबर होता है ना, ये दोनों इनको ऐड करते हैं, तो 3 और 3 को ऐड किया 6 आया, अब मैं देखो 6 आया ना, मैं कैसे डिवाइड कैसे करूंगा, पहले मैं 6 के साथ 1 लगा के देखूंगा ऐसे, 1 into 1 61, फिर मैं 2 पे चेक करूंगा बच्चे, 2 पे चेक करूंगा, एक मिनट, अब 2 पे चेक किया मैंने, तो 2 into 2 देखो 2 into 2 4, 6 2 12 124, अब मैं 3 पे चेक करूंगा ऐसे, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, आया ना, 3 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ लिखूंगा 189 और रिमाइंडर बचेगा 0, आंसर कितना आ गया 33, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया, तो आंसर कितना था 33, 1089 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे 33 यहाँ, अभी जिसको भी डाउट हो तो हैंड रेज कर लो आराम से चुपचाप, बाकी नोट करो, हाँ श्रेया बोलो बच्चे, मुझे पूछना था कि जब भी हम डिवीजन करेंगे तो हमेशा दोनों के पेयर में करेंगे, हाँ
दो दो के पेयर बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने यही बताया था, दो दो के पेयर बनेंगे और ये पेयर कहां से स्टार्ट करने हैं, यूनिट प्लेस की ओर से, ठीक है, ऐसे इधर से ऐसे ऐसे पेयर बनाते चलेंगे, ठीक है। ओके ईशानी, हाँ ईशानी बोलो बच्चे। सर कैन यू गिव अ क्वेश्चन प्लीज। ईशानी व्हाट इज योर डाउट, ईशानी ईशानी क्या डाउट है बच्चे, ईशानी बोलो डाउट बच्चे। ठीक है श्वेतांशी, रुद्रा फाइव डिजिट का होता तो लास्ट वाला एक नंबर बच जाता, जैसे देख 2 4 5 6 ये है, तो ऐसे पेयर बनाते फिर ये अकेला नंबर पेयर बनता, ठीक है। हाँ रुद्राक्षी जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा। हाँ बच्चे रुद्राक्षी बोलो बच्चे। सर